मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास। दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं जो आपको सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का, उसका मैं सॉल्व करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जे मेरे पास सेट है, किन्हीं का क्वेश्चन किसी दूसरे जगह हो सकता है, जैसे एक नंबर का है तो पाँच नंबर में हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन सेम है। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुष्प। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो दोस्तों मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु मटर का पौधा का उपयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक दिशीय दिशा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है? दोस्तों जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के मध्य स्तर में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वायुमंडल के मध्य सतह में। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंध्र। छठा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सबसे तेज़ हृदय धड़कन किसका होता है? तो दोस्तों सबसे तेज़ हृदय धड़कन व्हेल का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्हेल। सातवां प्रश्न है दोस्तों, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों इसमें अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया तीनों का होता है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। आठवां प्रश्न है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। नौवां प्रश्न है दोस्तों, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो दोस्तों आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धारा। दसवां प्रश्न है दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है विद्युत मोटर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। ग्यारहवां प्रश्न है दोस्तों, दर्पण का सूत्र है? तो दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है 1/I/U + 1/V, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लस में होता है दर्पण का सूत्र। तो बारहवां प्रश्न है दोस्तों, निकटदृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो दोस्तों निकटदृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तेरहवां प्रश्न है दोस्तों, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? दोस्तों जब कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं मिलता तो सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम रूप से सूर्य पर निर्भर रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्य। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अगले वीडियो भी मिल सके। चौदहवां प्रश्न है दोस्तों, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? दोस्तों तिलचट्टा में जो है 8 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 जोड़े। अगला प्रश्न दोस्तों, पंद्रहवां है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधे में। सोलहवां प्रश्न है दोस्तों, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? दोस्तों फ्लोएम ऊतक द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज के रूप में। दोस्तों इस पर डाउट है, हम थोड़ा सुक्रोज भी हो सकता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या सही उत्तर है। सत्रहवां प्रश्न है दोस्तों, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो दोस्तों हार्मोन को जो है रासायनिक दूध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हार्मोन। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डार्विन। उन्नीसवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो होती है निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्वात। बीसवां प्रश्न है दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोल्ट। इक्कीसवां प्रश्न है दोस्तों, समीकरण 2H2+O2=2H2O किस है एक, यानी कैसी अभिक्रिया? तो दोस्तों यह संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर संयोज हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दोस्तों बाईसवां प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। दसवां प्रश्न है दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, मतलब है इसमें से क्या है?
तो दोस्तों सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है 11 होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। 24वां प्रश्न है दोस्तों, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। जैसे अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, जैसे कूटपाद अंतर्ग्रहित कर लेते हैं भोजन को, तो होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अंतर्ग्रहण। 25वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें कौन सी कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में करती है, हमेशा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सीधी रेखा में। 20वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डायप्टर, इसे डी से सूचित किया जाता है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों सबसे कम किस रंग का विचलन होता है, तो लाल का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है दोस्तों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों बैटरी से है ना प्रत्यावर्ती दृष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 29वां प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अभिकारक, उसके फलस्वरूप जो बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न है 30वां, टूथपेस्ट में कैसा होता है, यानी टूथपेस्ट जो है कैसा होता है, क्षारीय का होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्षारीय। 31वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों इसमें से कौन सा पदार्थ है, मतलब तत्व है, जो विद्युत का सुचालक है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड COOH, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमें मनोबल बढ़ता है इससे और वीडियो बनाने की। 33वां प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, जो आवर्त सारणी के हैं प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ऑक्रिया गैस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ऑक्रिया। प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगले वीडियो फिर कल मैं मैथ का डालूंगा। 34वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जैसे वायु एक है प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी भी है प्राकृतिक संसाधन, तो जीवधारी जो हैं वो भी नहीं है, तो इसमें तो सभी लग रहा है प्राकृतिक, जीवधारी भी प्राकृतिक के द्वारा ही बनाए जाते, इसका ऐसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैसे जल तो प्राकृतिक है ही वायु भी है, तो इसका ऐसे क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों, हो सकता है वही आंसर होगा डी ही होगा होगा। तो 35वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, ये तो आप शुरू में ही पढ़ लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दो। 36वां प्रश्न है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को मतलब किस में व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को ना हम लोग कंडेला में व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, कंडेला के रूप में व्यक्त किया जाता है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। दोस्तों सिलिकन से ना सोलर सेल बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा सिलिकन, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है सिलिकन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सिलिकन। 38वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लवण है। दोस्तों इसमें से कौन लवण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4 जो है एक लवण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा K2SO4। 39वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। दोस्तों सबसे भारी धातु जो होती है यूरेनियम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यूरेनियम। दोस्तों प्लीज़ मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, अभी तक नहीं पूरा है, आप लोगों के दुआ से ही ये हो सकता है। दोस्तों 40वां प्रश्न है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इथेन के एक अणु में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। 41वां प्रश्न है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्लोरोफिल। 42वां प्रश्न है दोस्तों, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 43वां प्रश्न है दोस्तों, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। तो दोस्तों टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में, दोस्तों इसमें भी हमें डाउट है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है दोस्तों, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ ये, सॉरी दोस्तों इसके लिए। 44वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा SO2 के
के कारण अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों 45वां प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं। तो दोस्तों स्विच जो लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गर्म तार में। 46वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो है अनवीकरणीय बोला है, तो बायोगैस हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, और सभी अनवीकरणीय ऊर्जा हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों वृक्क जो है उत्सर्जन अंग से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन। 48वां प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रा में जो है स्वस्पर्शक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वस्पर्शक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी स्टूडेंट को बता दें कि किस तरह से कितना उनका सही हुआ। और प्लीज़ दोस्तों आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 1000 आप के पूरा सकते हैं, 1000 पूरा सकते हैं सब्सक्राइबर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आपसे कल।